ताड़ड़ की सीनियर सहाफी अखलाक बाजवा मरहूम के घर आमद हुई। मरहूम के अहले खाना से इजहार ताजियत किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत ने अखलाक बाजवा मरहूम के अहले खाना के लिए 25 लाख रुपये इमदाद का ऐलान भी किया है। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह ताड़ड़ की सीनियर सहाफी अखलाक बाजवा मरहूम के घर आमद, मरहूम के अहले खाना से इजहार ताजियत किया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत ने अखलाक बाजवा मरहूम के अहले खाना के लिए 25 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया। अपडेट कर रहे हैं आपको, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत की सीनियर सहाफ़ी अखलाक बाजवा मरहूम के घर आमद हुई है और मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया गया है। इस मौका पर वफाकी वज़ीर इत्तला'आत ने अखलाक बाजवा मरहूम के अहले खाना के लिए 25 लाख रुपये इमदाद का ऐलान भी किया है। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस पर हमसे मज़ीद बात करेंगे। वकास गौरी, डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत ताउल्लाह ताड़ड़ आज सीनियर सहाफ़ी अखलाक बाजवा मरहूम की रियाज का गए, जहां उन्होंने मरहूम के लवाहिकीन से इजहार तअज़ियत किया। इसके अलावा ताउल्लाह ताड़ड़ ने मरहूम के बच्चों के लिए 25 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान भी किया। इस मौके पर ताउल्लाह ताड़ड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अखलाक बाजवा ने सहाफत में एक नई जहद जो है वो मुतारिफ करवाई और अखलाक बाजवा की जो सहाफ़ी खिदमात हैं वो उनको हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी कमी हमेशा जो है सहाफ़ी बरादरी जो है महसूस करती रहेगी। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ियों और बीट रिपोर्टर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास गौरी हमें ज्वाइन करने का।